न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाले कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने रबी एवं खरीफ उपज की एमएसपी निर्धारण को लेकर किसान संगठनों से सुझाव मांगे हैं। वहीं ऑनलाइन हुई इस बैठक में कई किसान नेताओं ने एमएसपी की लीगल गारंटी कानून का मुद्दा उठाया। हालांकि सच तो ये है कि सीएसीपी सरकार को सिर्फ सुझाव दे सकती है, वो अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, क्योंकि सीएसीपी को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। वहीं फिलहाल किसान संगठनों ने इस पर अपनी बात उठाई। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एमएसपी की सार्थकता तब तक है जब तक खरीद गारंटी कानून लागू हो, वरना ज्यादातर किसान घाटा सहकर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,230 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन राजस्थान के किसान को अपना चना 4,300 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर बेचने को विवश होना पड़ रहा है। किसानों को प्रति क्विंटल 900 रुपए तक का घाटा हुआ है। इसी प्रकार बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,250 रुपए प्रति क्विंटल था, फिर भी किसानों को एक क्विंटल बाजरे का मूल्य 1,100 से 1,300 रुपए ही मिला। इससे भी प्रति क्विंटल 1,000 रुपए तक का घाटा हुआ है। वहीं बता दें कि कमोबेश यही स्थिति सभी उपजों की रहती है। वहीं किसान नेता ने कहा कि एमएसपी है, लेकिन निजी क्षेत्र में ज्यादातर फसलों का उचित दाम नहीं मिलता, क्योंकि उसकी लीगल गारंटी नहीं है। लीगल गारंटी होगी तो उसी रेट पर खरीदी के लिए निजी क्षेत्र भी बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए मंडियों में नीलामी बोली की शुरुआत न्यूनतम समर्थन मूल्य से हो। ये तब ही संभव है जब न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद का कानून हो। सिर्फ एमएसपी घोषित होने से बात नहीं बनेगी, बल्कि फसलों की खरीद भी करनी होगी। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य की सार्थकता के लिए खरीद की गारंटी का कानून केंद्र या राज्य दोनों मिलकर भी बना सकते हैं। वहीं बैठक में आयात निर्यात नीति को उत्पादक किसानों के अनुकूल बनाने, उपजों के लागत मूल्य को घटाने, औसत उचित गुणवत्ता मापदंडों के निर्धारण में किसान प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने, फसल विविधीकरण के लिए तिलहन और दलहन बाजरा मक्का जैसे सभी मोटे अनाजों की खरीद की नीति गेहूं और धान जैसी बनाने की मांग उठाई गई। वहीं उत्पादक को लाभकारी मूल्य एवं उपभोक्ताओं को कम दामों पर कृषि उपज की उपलब्धता को सुलभ करते हुए लूट से बचाने जैसे सुझाव पर भी चर्चा हुई है। वहीं बता दें कि बैठक की अध्यक्षता कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष ने की। वहीं बता दें कि इसमें किसान महापंचायत, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, वहीं गन्ना उत्पादक संघ और भारतीय किसान पंचायत आदि मौजूद थे। किसान नेताओं ने इस पे अपने सुझाव भी दिए। वहीं इसका संचालन कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के सदस्य सचिव ने किया। आयोग के अध्यक्ष ने दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।